अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। अपने चैनल स्टूडेंट लाइफ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपको लेक्चर देंगे लेसन नंबर 2 पे, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश 201, जो उसका मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 दिया था लेसन नंबर 1 पे, आज मैं आपको 2 पे दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा जो टॉपिक है लेसन नंबर 2 का वो है ओरल कम्युनिकेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन। देखते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले इसकी जो आउटलाइंस है वो देखते हैं। टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ डिलीवरी, एक्सटेम्पररी, इम्प्रॉम्प्टू और मेमोराइजेशन, रीडिंग, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ अ प्रेजेंटेशन और डिलीवरी गाइडलाइन यूजिंग विजुअल एड्स। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बाद ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पसेस एंड द डिलीवरी सिचुएशंस। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मतलब कि वाजिया और पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से, यानी कि फॉर्मल प्रेजेंटेशन और इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होती है। फॉर्मल में आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके, सही तरह से आपका माइंड क्लियर हो, आपका आपकी प्लानिंग, आपका आउटलाइन, आपकी बीच का जो पैसेज है, आपका एंड यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी उसका जो आउटलाइन है, उसका दरमियान का जो सेंटर पार्ट है और कंक्लूजन, सब आपको वाजिया हो, अच्छे तरीके से आप वेल प्रिपेयर्ड हो, अच्छे तरीके से आप तैयार हो, आपने क्या बोलना है, आपने कैसे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है, कैसे उनको कन्वेंस करना है अपनी बात पे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद वह क्या कह रहे हैं कि इफेक्टिव ऑरल कम्युनिकेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल्स, यानी कि जो अच्छी ऑरल कम्युनिकेशन है वो क्या कम्बिनेशन किसकी है, बहुत सारी स्किल की, जैसे आउटलाइन एंड प्लानिंग और प्रिपेयरिंग ओवरहेड्स और अदर डिस्प्ले मीडिया और रिहर्सिंग और डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है जी। उसके बाद है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स क्या है। एंड ओरल रिपोर्ट मे बी डिलीवर्ड अराउंड अ स्मॉल टेबल विद जस्ट अ फ्यू लिसनर्स और इन अ लार्ज ऑडिटोरियम टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यानी कि आप जो है ओरल रिपोर्ट को आपको डिलीवर करना पड़ सकता है एक छोटी सी टेबल पे कुछ लोगों के साथ भी, या फिर एक बहुत बड़े हॉल में, या फिर बहुत ज़्यादा किसी मीटिंग प्लेस पे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। उसके बाद क्या फॉर्मल ओरल रिपोर्ट। फॉर्मल ओरल रिपोर्ट ये है कि जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने सारी तैयार की हो, उसकी हेडिंग, उसकी उसमें क्या बात आपने करनी है, बिल्कुल वो एग्जैक्ट हो। इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट क्या होती है, आर जनरली करेक्टराइज बाय स्मॉल ग्रुप्स सिटिंग विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन एंड अ रिलैक्स मैनर ऑफ डिलीवरी एंड ड्रेस, यानी कि इनफॉर्मल रिपोर्ट जो होती है उसमें आप आराम से अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं करता आप क्या बोल रहे हो या आपका आइडिया क्या, आपको सिर्फ अपना आइडिया पहुंचाना होता है। उसमें आपको बोलने के लिए अपनी प्रिपरेशन नहीं पहले से करनी पड़ती, मतलब आप रफली अपना आइडिया चंद लोगों में बैठ के पहुंचा सकते हैं। उसके बाद क्या ओरल प्रेजेंटेशन इन अ फॉर्मल इन्वायरमेंट जनरली फॉल इंटू टू कैटेगरीज में ओरल जो है प्रेजेंटेशन फॉल करती है, वो क्या है, इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग और पर्सुएसिव स्पीकिंग। इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या है कि आपके पास पूरा नॉलेज हो, अच्छी ऑडियंस हो, आपको पता हो कि कैसी ऑडियंस मेरे पास जमा हुई है, मैंने कैसे अपनी बात करनी है, मेरी रिपोर्ट क्या आनी है, मुझे क्या वर्ड यूज़ करने हैं, आपका सारा आपको अचीव हो। उसमें क्या होता है कि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग है ये आपने कैसे करनी है, इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट में भी हो सकती है, ओरल ब्रीफिंग भी हो सकती है, पैनल डिस्कशन भी हो सकता है, यानी बहुत सारे लोगों में भी ओरल क्रिटिक, यानी आप उस पर तनकीद भी कर सकते हैं। पर्सुएसिव स्पीकिंग क्या होती है, पर्सुएसिव स्पीकिंग इज यूज टू इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक्स और डज। सम ऑफ गोल्स पर्सुएसिव स्पीकिंग इंक्लूड, ये उन्होंने बताया कि पर्सुएसिव स्पीक क्या होती है कि आपने उसमें कैसे बोलना है, आपका आपने जो क्या सोचा हुआ है, आपने लोगों तक कैसे अपनी बात को डिलीवर करना है, ये उसके पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद है डिलीवरी मेथड। डिलीवरी मेथड जो है वो क्या है देखते हैं। एक्सटेम्पररी इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, एक्सटेम्पररी क्या होती है, तैयारी के बगैर। इम्प्रॉम्प्टू क्या होती है, फौरी तौर पर, यानी जिसमें आपके इम्प्रॉम्प्टू है ये वर्ड एक्चुअली, इम्प्रॉम्प्टू यानी कि जिसमें आपको फौरी तौर पे कहना पड़ता है, तैयारी के लिए वक्त भी नहीं मिलता। मेमोराइजेशन यानी कि जो कि आपकी मेमोरी पे बेस हो या आपको पहले से कुछ याद हो। रीडिंग यानी कि आपका पढ़ने का जो होता है। एक्सटेम्पररी क्या है, इन दिस मेथड ऑफ डिलीवरी द थॉट इज़ प्लान्ड बिफोर स्पीकिंग स्टार्टिंग टू स्पीक, यानी कि आपको
जो है पहले से ही सोचना पड़ता है कि आपने क्या सोच के रखना पड़ता है, आपने क्या बोलना है, पूरी आपको वेल तैयारी के साथ आपको इसमें बोलना पड़ता है। आपको अपना पूरा एक लेक्चर तैयार करना पड़ता है, एक आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इसमें क्या बोलना है, आपके पास क्या नॉलेज है, आप इसमें आप जो गैप है अगर समटाइम बोलते हुए आ गया तो आपने उसको कैसे फिल करना है, सारे पॉइंट आपको लिख के रखने पड़ते हैं। और इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है, इसमें आपको फौरी बोलना पड़ता है, यानी कि आपको इसमें टाइम नहीं मिलता कि आप पहले से उसकी तैयारी कर लो। यानी आप एक बिज़नेस फील्ड में हो, आपको ऑर्डर आया है अपने ऑनर की तरफ से यानी अपने बॉस की तरफ से कि आपको अभी ऑन द स्पॉट ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इस पर बात करनी है, इसको क्लियर करना है, तो आपको अपने माइंड को फौरी रेडी करना है कि हाँ मैं इस पर क्या बात कर सकता हूँ, मैंने क्या बोलना है जी। उसके बाद है मेमोराइजेशन। देखते हैं मेमोराइजेशन में क्या है। अ मेमोराइज स्पीच इज स्पीच डेट इज रिएक्टेड फ्रॉम मेमरी रादर देन द रीड फ्रॉम क्यू कार्ड्स और यूजिंग द असिस्टेंस ऑफ नोट्स। यानी कि ये आपकी जो मेमोराइजेशन मेमोराइज स्पीच किस पे बेस करती है, आपकी मेमोरी पे। इस पर आपको कोई हेल्प की या किसी वर्कर के लिखे हुए किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपकी मेमोरी में जो कुछ पहला एक्सपीरियंस है, कुछ पहली बात है, कोई पहला प्रोजेक्ट है उस पर बेस करती है। जो आपने वो बात करनी है, जो भी प्रेजेंटेशन देनी है, ये मेमोरी पे बेस करती है। उसके बाद है रीडिंग। द ड्रॉबैक ऑफ रीडिंग इज दैट व्हेन यू रीड योर स्पीच यू आर कम्युनिकेटिंग विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ ऑडियंस। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि रीडिंग जब आप करते हैं किसी चीज़ को देख के, तो उसका एक नुकसान ड्रॉबैक यानी कि उसका एक नुकसान ये होता है कि आपका लोगों से आई टू आई कॉन्टेंट कम हो जाता है। यानी आप लोगों की तरफ कम देखते हैं, ऑडियंस की तरफ आपका ध्यान अपने सामने रखे हुए किसी नोट्स या बुक की तरफ ज़्यादा होता है, रिटर्न पेपर की तरफ ज़्यादा होता है, लोगों की तरफ कम होता है, जिसकी वजह से आपकी जो इंट्रैक्शन कम हो जाती है, तो आप अच्छी तरह अपनी स्पीच को डिलीवर नहीं कर सकते। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, उसमें क्या आता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ डिलीवरी द प्रेजेंटर मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न्स इन द प्रिपेयरिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। कि अगर आप प्रेजेंटेशन एक अच्छी वाली दे रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या मेथड जो है क्या तरीके फॉलो करने हैं। नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, आप जो आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं आपको पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी के हैं, उनके पास कितना नॉलेज है, वो एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, या किस सोसाइटी से वो लोग आपके पास आए हैं या आप उनके पास गए हैं। उसके बाद है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, जो आपने बात करनी है, जो आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है यूज़ ऑफ टाइम, कि आप टाइम का यूज़ कैसे करते हैं, कितने टाइम में आपने अपनी बात कंप्लीट करनी है। उसके बाद है रिहर्सल, कि आपने प्रैक्टिस कितनी की हुई है, कितना अच्छा आप बोल सकते हैं। उसके बाद क्या पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग, कि आपकी जो पर्सनल लुक है यानी आपकी आप जो ज़ाहरी शख्सियत है वो कैसी है, आप लोगों के सामने कैसे खुद को जाहिर कर रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपका बोलचाल कैसा है, अंदाज कैसा है, ये सब जी। अब देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद इन पॉइंट्स को उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, यू शुड नो अबाउट योर ऑडियंस प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि आपके पास जो ऑडियंस बैठी हुई है आपको उसके माइंड लेवल का, उसके नॉलेज का पता होना चाहिए कि वो आपकी बात को कितना समझ सकते हैं, उनके पास कितना नॉलेज है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, आपके पास जो नोट्स हैं या जो कोई भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी मेमोरी से पढ़ रहे हैं या किसी से हेल्प ले रहे हैं, तो आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि अगर बोलते बोलते अगर आपके पास कोई गलती हो गया या कोई गैप आ गया, आपको कुछ भूल गया, तो आपने उसको कैसे कवर अप करना है। उसके बाद क्या है यूज़ ऑफ टाइम एंड रिहर्सल, टाइम लिमिट्स आर टू बी ऑब्जर्व, यानी आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपनी प्रेजेंटेशन देते वक्त। समटाइम आपको टाइम लिमिट दी जाती है और समटाइम नहीं दी जाती, तो आपको टाइम लिमिट के वक्त या ना भी दी हो तो आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को जो अपना बात आप डिलीवर कर रहे हैं उसको आपने कितने टाइम में डिलीवर करना है, उसको आपने कैसे उसको मैनेज करना है, उसके आपने कितनी रिहर्सल की हुई है, कितनी उसकी प्रैक्टिस की हुई है, वो सब आपको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद है पर्सनल अपीयरेंस, यानी कि आप अपने आपकी जाहरी जो शख्सियत है, आपका जाहरीपन कैसा है। योर पर्सनल अपीयरेंस अफेक्ट्स योर क्रेडिबिलिटी, यानी कि आपकी जो पर्सनल आपकी जो जाहरी शख्सियत है वो आपके काम में असरअंदाज होती है। आपको देखना है कि आपने किस जगह के लिए, किस हिसाब से प्रोजेक्ट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, माहौल के हिसाब से आपने कैसी ड्रेसिंग की हुई है, आपने कैसी कैसे बोलना है, ये सब आपको अपने माइंड में आपने क्लियर करना है और ये सब आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद है डिलीवरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन, अ वेल प्लान्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन कैन ऑलमोस्ट बी इनफेक्टिव बिकॉज ऑफ बैड प्रेजेंटेशन डिलीवरी। यानी कि अगर आपने वेल प्लान्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन आपकी उस वक्त भी बिल्कुल भी ज़ाया हो सकती है, ख़राब हो सकती है, किस वजह से,
अगर आपने उसको अच्छी तरह से डिलीवर नहीं किया लोगों के सामने आपने उसको बयान नहीं किया कि आप कैसे उस, अगर आपने अच्छी तरह तैयार भी किया भी हुआ है, आपने सब पॉइंट भी नोट किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उसको अपनी बात को क्लियर नहीं कर सके, अपनी बात को लोगों को अच्छी तरह पहुंचा नहीं सके, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपकी वो बात ज़ाया गई। तो उसमें आपको कौन से पॉइंट्स को सामने रखना होता है, आपके पास एंथोजियज्म यानी आपका जज्बा अच्छा होना चाहिए, आई कॉन्टेंट आपका अच्छा होना चाहिए यानी लोगों से आपका जो सामने का कम्युनिकेशन है आँखों में देख के बात करना या उनको तवज्जो के साथ अपनी बात समझाना वो कैसा है, यूज़ ऑफ वॉइस आप कैसी आवाज़ अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं या कम या इस तरह वो, यूज़ ऑफ टाइम आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। एंथोजियज्म में कहता है बी वेल प्रिपेयर्ड एंड स्ट्राइव फॉर मस्कुलर कंट्रोल यानी आपको अपने जो है अपने आप को अच्छा सा पहले तैयार करना होता है, अपने मसल्स पे अपने आप पे कंट्रोल रखना है कि कहाँ पे आपने जोश दिखाना है, कहाँ पे आपने नॉर्मल रहना है, कहाँ पे आपने लोगों को बात समझानी है। उसके बाद क्या आई कॉन्टेंट यानी ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन ट्राई टू मेक आई कॉन्टेंट विद मोस्ट ऑफ द पीपल एंड इफ पॉसिबल एवरी पर्सन इन द रूम यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन के दौरान आई कॉन्टेंट है लोगों के साथ सामने देख के बात करने का जो आपका तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें कि आप हाथ चेहरे को देख के बात करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ आप मूव करके बात करें, यही नहीं कि आपकी नज़रें पेपर पर ही हों और सामने आपको कुछ पता ना हो कि आप क्या बात करें। यूज़ ऑफ वॉइस के डोंट स्पीक टू सो अप टू फास्ट और हम्बल यानी कि आपने ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना है, ना ही बहुत ज़्यादा हल्का बोलना है, ना ही बहुत ज़्यादा आजी से, आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे बात करनी, कहाँ पे आपकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कहाँ पे कम होनी चाहिए, कहाँ पे सॉफ्ट होनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, हेयर व्हाट यू से, सुने कि आप क्या कह रहे हैं, अंडरस्टैंड व्हाट यू से और समझे कि आप क्या कह रहे हैं। यहाँ तक आप आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद क्या है, यूज़ ऑफ पेस यानी कि आपने देखना है कि आपने अपने आप को किस तरह एडजस्ट करना है, किस तरह आपने पुरअमन तरीके से बोलना है या आपने कैसे बैलेंस रखना है। ये नहीं कि आपने पहले से अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई, आपने रिहर्सल नहीं की हुई तो आप एकदम से चिल्लाना शुरू हो गए जाके या फिर आपका मोश है या आपको समझ नहीं आ रही कि आपने कैसे बोलना है तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। उसके बाद मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, द मटेरियल ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज टू द पॉइंट एंड टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं फॉर्मल उसमें टू दी पॉइंट आप बात करें, ब्रीफली बात करें यानी अच्छे तरीके से आपकी बात कंप्लीट भी होनी चाहिए, टू दी पॉइंट भी होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट बोरिंग होगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा या फिर आपकी बात बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो लोग बोर हो जाएंगे और आपको इग्नोर करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वॉइस, हाउ यू से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वट यू से कि क्या बात अहम है कि आप क्या कह रहे हैं और आप कैसे कह रहे हैं, ये बात भी आपको अपने सामने रखनी है माइंड में। बॉडी लैंग्वेज क्या है, अ सब्जेक्ट इन इट्स ऑन राइट एंड समथिंग अबाउट विच मच हैज़ बीन रिटन एंड सेड। बॉडी लैंग्वेज में क्या कहता है कि अ सब्जेक्ट इन इट्स ऑन राइट यानी कि एक जो सब्जेक्ट है आप जो भी एक आपने कोई बात या प्रोजेक्ट पिक किया उसका अपना भी एक राइट होता है यानी कि आप उसको उसकी खुद भी एक डिमांड होती है कि आपने उसको कैसे बयान करना है। यानी अगर पार्क स्टडी का कोई सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, एक एग्जांपल है मैं आपको समझा रही हूँ, ड्यूरिंग लेक्चर आप दे रहे हैं या आप कोई भी मीटिंग में आप कोई सब्जेक्ट दे रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो आपको ये भी माइंड में रखना है कि आपने उसके लिए बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, उस प्रोडक्ट को आपने कैसे डिफाइन करना है। सेम टाइम आपको अपने हाथ की मूवमेंट के साथ बात को समझाना पड़ता है तो ये सब बॉडी लैंग्वेज में आता है, अपनी बॉडी को मूव करना पड़ता है, अपने फेस को टर्न करना पड़ता है। उसके बाद क्या, अपीयरेंस फर्स्ट इंप्रेशन इन्फ्लुएंस द ऑडियंस, ऑडियंस एटीट्यूड टू यू, ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द ओकेजन यानी कि आपका जो सबसे पहला इंटरेक्शन क्या होता है लोगों के साथ, आप आते हैं तो ऑडियंस को सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग की तरफ ध्यान जाता है, तो आपको अपने ओकेजन यानी मौके के लिहाज से अपनी ड्रेसिंग का भी ख्याल करना है कि आपने कैसे ऑडियंस में किस तरह की ड्रेसिंग करके जाना है, अपने मतलब आपका लिबास कैसा हो, आपकी शख्सियत आपकी पर्सनैलिटी कैसी जाहिर हो रही है उसमें, ठीक है। आगे क्या, प्रिपरेशन प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक केयरफुली एंड लॉजिकली जस्ट एज यू वुड फॉर अ रिटन रिपोर्ट यानी कि आपको अपना सब्जेक्ट जो है अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, आपके पास आपके माइंड में होना चाहिए बहुत अच्छी का उसका लॉजिक, एक आप क्या बात समझाना चाह रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉक की आपकी बात का मकसद क्या है, द मेन पॉइंट ऑफ द टॉक आपकी बात के मेन पॉइंट क्या है, ठीक है, उनको भी आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद क्या, मेकिंग द प्रेजेंटेशन ग्रीट द ऑडियंस फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड टेल देम Who are you? ठीक है कि आपकी प्रेजेंटेशन बनाते वक्त सबसे पहले आपने इन बातों का ख्याल रखना होता है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे शुरू करनी है यानी आप लोगों से कैसे मुखातिब हो रहे हैं,
उनको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, हेलो हाय कुछ इस तरह का वर्ड ऐड कर रहे हैं, अपने बारे में आप कैसे बता रहे हैं, अपने आप को आप कैसे उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप कौन हैं, किस कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं, या आपको किस कंपनी में ने हायर किया, किस लिए भेजा गया, आप वहाँ पे किस मकसद के लिए, आपने अपना क्या पॉइंट क्लियर करना है, सब कुछ आपके अपने माइंड में आपके होना चाहिए कि मैंने अपनी बात कैसे स्टार्ट करनी है। उसके बाद क्या, डिलीवरी गाइडलाइंस। फॉलोइंग आर सम वेरी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर डिलीवरिंग अ स्मूथ प्रेजेंटेशन। यानी कि आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए एक अच्छी अपनी बात डिलीवर करने के लिए। सबसे पहले कि स्पीक क्लियरली, डू नॉट शाउट और विस्पर। यानी कि आपको अच्छे तरीके से साफ सुथरा बोलना चाहिए, ना ही आप बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलें और विस्पर, ना ही आप ज़्यादा सरगोशी में बोलें। अच्छे तरीके से आपको बोलना चाहिए, जहाँ पर आपको शाउट होना चाहिए वहाँ पर आप शाउट होएं, यानी ऊँची आवाज़ में, जहाँ पर आपको सॉफ्ट रखनी है अपनी आवाज़ वहाँ पर सॉफ्ट रखें। अपना जज्बा आपको कहाँ दिखाना है वो आपने देखना है, ठीक है। आप अगर उसमें आपको कोई ऑडियंस के साथ किसी जोक की ज़रूरत पड़ गई है, या कुछ अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए आपको कुछ मजाक करना पड़ गया, तो आपने किस तरह का करना है, किस लेवल का करना है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद क्या है, यूज़ योर हैंड टू एम्फसाइज पॉइंट बट डू नॉट इंडल्ज इन टू मच। यानी कि अगर आप अपने हाथ यूज़ कर रहे हैं अपना जज्बा शो करने के लिए, तो उसको एक लेवल पे यूज़ करें। यानी कि आप हर बात पे हाथ को यूँ घुमा घुमा के आप बात करें, वो भी आपकी रिपोर्ट को ख़राब करेगा, आपके इंप्रेशन को डाउन करेगा। उसके बाद अपने फेस को बिल्कुल आपको डाउन नहीं रखना, आपको सामने ऑडियंस को देख के उनसे आई टू आई कॉन्टेंट करके आपको अपनी बात डिलीवर करनी है। अवॉइड मूविंग अबाउट टू मच, बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलने से, यानी आप मूव कर रहे हैं इस तरफ देख रहे हैं उस तरफ, उससे भी आपको ब्रेस करना चाहिए। एक बैलेंस के साथ आप प्रेजेंटेशन देंगे तो वही आपकी सक्सेसफुल रहेगी। देखते हैं उसके बाद क्या, विजुअल एड, यूजिंग विजुअल एड्स फॉर ओरल प्रेजेंटेशन। क्या आपने विजुअल एड जो है वो फॉर ओरल प्रेजेंटेशन के लिए कैसे यूज़ करना है, वो क्या कह रहे हैं, द विजुअल एड मस्ट बी रेलिवेंट व्हाट टू से, व्हाट यू वांट टू से। कि आपकी जो आप जो भी अपनी प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपकी बात का मकसद वाजिया कर रही हो, यानी पता हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद है पॉसिबल विजुअल एड्स जो है, उन्होंने ये बताई हुई है कि आप ये क्या यूज़ कर सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्शन जो ट्रांसपेरेंसीज है, उसके बाद है 35 mm स्लाइड्स है, कंप्यूटर प्रोजेक्शन है, वीडियो एंड फिल्म है, ओरल प्रोजेक्ट्स है, फ्लिप चार्ट और ब्लैक बोर्ड है, कीप इट सिंपल दो। यानी कि आप अगर इसमें कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, सादा ज़रूर होनी चाहिए, लोगों की समझ में आनी चाहिए। आपको इस बात का भी आपको मेक श्योर करना है, यानी यकीन करना है कि जो आपके सामने ऑडियंस बैठी है वो किस लेवल की है, उनको आपकी कितनी बात समझ आ रही है। क्लियर और अच्छी वर्डिंग यूज़ करें और वर्ड्स का इस्तेमाल जो है बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए, बहुत लंबे लंबे वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हैं वो बोर करते हैं। उसके बाद जो है आप डायग्राम अगर कुछ भी इस तरह का कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा तरीके से वेल प्रिपेयर्ड और जो समझ में आने वाला हो, आपको कलर कैसा ले रहे हैं चीज़ों का, वो सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। उसके बाद है ऑन द अदर हैंड अ कम्प्लीटली डार्कन रूम कैन सेंड द ऑडियंस टू स्लीप। यानी कि अगर आप किसी बहुत अंधेरे कमरे में मतलब सारा कुछ लाइट सम टाइम ऑफ करके आप कंप्यूटर पे समझा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो भी एक बोरिंग सा हो जाता है कि इसे लोगों को नींद ही ना आने लग जाए। तो अच्छा है कि आप लाइट्स ऑन ऑफ करें ताकि उनको पता चले कि हम लोगों को इस पॉइंट पे कितना तवज्जो देनी है और किस पे हमें क्या रिएक्ट करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप कुछ और सब्जेक्ट पे या इस पे ही मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।